दोस्तों, कोरोना वायरस लगातार चल रहा है और इससे बचने के लिए लोग अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, समाज में जुड़े हुए हैं। वहीं पर आज अवंती बाई कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ है, सेमिनार हुआ है, जिसके अंदर बच्चों ने, स्टूडेंटों ने मास्क भी बनाए हैं अपने हाथों से और पेंटिंग भी बनाई है। किस तरीके से कार्यक्रम हुआ है इसकी पूरी जानकारी लेते हैं हम मैडम, जो अनु मैडम है, इनके द्वारा एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संतोष गंगवार जी ने बात की है, इनका चित्रकला का कार्यक्रम देखा है। हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से कार्यक्रम हुआ है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनु महाजन है और आज मास्क बैंक का इनॉग्रेशन हुआ है और जो कि बरेली में, वैसे तो ये पूरे यूपी में स्टार्ट हो गया, हर जगह होता जा रहा है, तो आज यूपी, आज बरेली में हुआ है। तो जिसके और उसके साथ साथ मास्क बैंक के इनॉग्रेशन के साथ साथ एक हमारी वो चित्रकला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो भी जागरूक करने का समाज को प्रयत्न किया है वो दिखाया गया है। मेरे अलावा मेरे जो भी स्वयंसेवी छात्र छात्राएं थी उन्होंने भी ये पेंटिंग बनाई है इसके अंदर। और वैसे भी हम लोग पिछले 3 माह से लगातार इस विषय इस बारे में कार्य कर रहे हैं, मास्क बना रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ DM साहब को भी मास्क 1500 मास्क खुद बनाकर दिए थे और हमारी स्वयंसेवी छात्राएं भी लगातार मास्क बना रही हैं और हम लोगों को बांट भी रहे हैं। और जो भी सोशल मीडिया के द्वारा भी, अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी, जो भी मीटिंग करके लोगों को मेंटली, क्योंकि हम एक मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं बरेली के, तो जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर बना रही हैं छात्राएं और मास्क के द्वारा और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, इन सब चीज़ों के लिए जागरूक कर रही हैं। ये हमारी जैसे कि मैडम ने बताया है कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है उससे बचने के लिए हमारे छात्रों ने और हमने मिलकर जितना हो सकता है कार्य कर रहे हैं, पेंटिंग के द्वारा लोगों को समझा रहे हैं। मास्क अभी 1 महीना पहले भी हमने DM साहब को दिए हैं, बरेली जिला अधिकारी को हमने 1500 मास्क दिए हैं जो कि स्टूडेंट ने और हमने खुद मिलकर अपने हाथ से बनाए हैं, लोगों के लिए दिए हैं। और भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज दिल्ली के लिए। मैं बरेली से आशू लोगो है, ये NSS कैसे राष्ट्र को सहयोग कर रहा है ये दिखाने की कोशिश की है। तो NSS के द्वारा समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है। ये हमारे बच्चों का वर्क है जो कि लगातार पिछले 3 माह से कार्य कर रहे हैं और ये उनकी पेंटिंग है जो कि उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई है। ये मेरी कुछ ये मेरी पेंटिंग है जिसके अंदर हमने भारत माता को दिखाया है कि कैसे वो कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर रही है और आयुष कवच या आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कैसे करके हम लोग अपने कोरोना से फाइट कर रहे हैं ये दिखाने की कोशिश की है। इस टॉपिक का मेरा विषय है कि जीत जाएंगे हम और वाकई अगर हम लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी नियमों का बिल्कुल भी पालन करेंगे तो हम जीतेंगे कोरोना से, ये हमारा संकल्प है। उसके अंदर मैंने जो कोरोना फाइटर है उनको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जब सभी दुनिया पूरा जो है विश्व अपने आप को सेव करने में लगा है तो डॉक्टर कैसे एक फाइटर की तरह हमारे जो एक आम व्यक्ति है उसको अपने गले से लगा के उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये भी पेंटिंग है मेरी जिसके अंदर बताया गया कि कोरोना को कैसे हम लोगों ने उस पर फाइट करके उसको सेव उसको डाल दिया है जगले में और उसको उससे हम जीत पा रहे हैं। ये दो ये पेंटिंग है इसके इसमें हमने बताया कि पहले एक कैसे व्यक्ति काम कर रहा था और अब वो कैसे मास्क लेकर हमें काम करना पड़ रहा है। ये पर्यावरण के लिए बनाया है कि पर्यावरण का दर्द इसमें दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि कैसे पर्यावरण ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरा दर्द को समझना है, ये इस पेंटिंग का विषय है। अच्छा, ये मेरी लेटेस्ट पेंटिंग है जो मैंने परसों ही कंप्लीट करी है, आफ्टर लॉकडाउन पर्यावरण पर, लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे ये इस स्क्वायर के अंदर हमने ये दिखाया है कि कैसे जो पूरी जो बसें हैं ऑटो वगैरह का जो पॉल्यूशन है वो जब लॉकडाउन था उसकी वजह से सीमित हो गया है और पूरी प्रकृति एक बार
खुश है और चिड़िया उड़ रही हैं और सारी जो फूल खिले हुए हैं और सब भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये टॉपिक ये है मुस्कुराएगा इंडिया। हाँ, एक बार हमें विश्वास है कि इंडिया दोबारा मुस्कुराएगा। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है मेरा, जिसके अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया एक बार फिर अगर हम लोग सभी डटे रहे और अपने आप को संभाल कर रखा तो हम लोग एक बार इंडिया फिर से मुस्कुराएगा। ये मोदी जी का मैंने पोर्ट्रेट बताया है और उन्होंने एक हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है कि एक तरफ वो कैसे लड़ रहे हैं समाज से उसके लिए कोरोना से और दूसरी तरफ वो अपने भारतवासियों को अपने आंचल में छुपा रखा है उन्होंने। ये मेरी पेंटिंग वो केरला का जो वो हुआ था कांड हुआ था जिसके अंदर एक गर्भिणी जो हंसनी थी उसको अनार में पटाखे डाल के खिला दिया था जिसकी वजह से उसको उसकी मौत हो गई थी और उसके बच्चे की ही। तो ये ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये उसके दर्द को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और ये मेरे नेचर की है कि हाँ एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हमारा नेचर एक बार फिर हरा भरा हो जाएगा और हमें इससे संकल्पित होकर ऐसे काम करना है और अपने देश के लिए अपने समाज के लिए जो भी हम लोग कर पाए उसको करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारा देश भारत एक युवा देश है और हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है, हम सब ये जानते हैं। और इस देश की युवा शक्ति जब कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से उस ऊंचाई पर हम पहुंचने का काम भी करते हैं। राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान देना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की छात्राओं द्वारा बनाए गए मास्क की एक बैंक का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है और साथ ही एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी और हमारे महाविद्यालय में चित्रकला विभाग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनु महाजन जी ने और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की छात्राओं ने जो विभिन्न प्रकार की जो उसमें पेंटिंग्स बनाई हैं लॉकडाउन के दौरान और ख़ासतौर से मैडम ने कुछ अपने विशेष उन्होंने अपने कला चित्र बनाए हैं उन सबको यहाँ समावेश करते हुए इस चित्रकला प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन माननीय मंत्री जी श्री संतोष गंगवार जी ने किया। और ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारी महाविद्यालय की छात्राएँ और हमारे महाविद्यालय के जो दोनों कार्यक्रम अधिकारी हैं डॉक्टर अनु महाजन और डॉक्टर फौजिया खान, तो उनके नेतृत्व में हमारी छात्राएं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान करती रही हैं। समाज को किसी तरह से जागरूक करने का प्रयास किया है उन्होंने समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए छात्राओं ने अपने आसपास के इलाकों में। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से अपनी कला चित्रकला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हमारी जो कार्यक्रम अधिकारी अनु महाजन मैडम हैं उन्होंने भी इस कार्य को बहुत बखूबी निभाया है और राष्ट्रीय सेवा योजना और चित्रकला को जोड़ते हुए उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से जागरूकता अभियान के साथ साथ अपनी संवेदनाओं को बड़े संवेदनशील ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये हम सभी के लिए हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है। थैंक यू वेरी मच।